तो गाइस सब कैसे हो, मैं हूं रिटेल ऑनलाइन चैनल पर आप लोग का स्वागत। तो कल मेरे एक कस्टमर ने मेरे साथ थोड़ा सा चालाकी किया और मेरे पास आके बोला कि भाई वी आई सिम लेना है, ऑफर क्या है। तो थोड़ा ऑफर था जो मैंने कस्टमर को बता दिया और कस्टमर ने के सिम एक्टिवेशन भी काट दिया। बट थोड़ी देर बाद कस्टमर दोबारा कॉल करे कि भाई मेरे सिम एक्टिवेशन तो आपने काट दिया बट नेटवर्क वगैरह आ नहीं रहा। तो मैंने बोला थोड़ी देर बाद आ जाएगा, बट दो घंटे निकल गया नहीं आया। तब मैंने मेरे जो एक्टिवेशन हिस्ट्री चेक कर रहा हूँ तो वहाँ पर एक्टिवेशन रिजेक्ट हो गया था। और रिजेक्ट होने का जो स्टोरी था ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो जो कस्टमर था वो क्या करता था, जब भी सिम का न्यू सिम का ऑफर मिलता था वो न्यू सिम खरीदते जाता था, वो उसमें रेगुलर रिचार्ज वगैरह नहीं करते और वो जब भी ऑफर मिलते 5 रुपीज़ 100 रुपीज़ पर वो सिम खरीदते। बट वो जो कस्टमर था उनका 9 एक्टिव सिम कार्ड वीआई का ऑलरेडी है, तो उसके बाद सिम लेने आया। मैं नहीं जानता था उनके पास 9 एक्टिव सिम कार्ड है, तो मैंने उसके सिम एक्टिवेशन कर दिया। अब सिम एक्टिवेशन करने के बाद जब मैं हिस्ट्री चेक करूं, कस्टमर ने जब मेरे को बोला कि टावर नहीं आ रहे, तो मैं जब उसके हिस्ट्री में मतलब मेरे एक्टिवेशन चेक करूं तो देख रहा हूं कि यहां पे रिजेक्ट लिखा दिया और बोला कि लिमिट खत्म हो गया, डीओटी के हिसाब से ये और सिम नहीं ले पाएंगे। तो मैंने कस्टमर को आने के लिए बोला, शॉप पर उसको पूछा कि आपके पास क्या ऑलरेडी 9 सिम कार्ड है। उन्होंने बोला हाँ सिम कार्ड है, मैं तो रिचार्ज वगैरह करती नहीं हूँ, जब भी ऑफर मिलते हैं मैं सिम कार्ड खरीद लेता हूँ और मैं काम चला लेता हूँ। तो ऐसी बात है, आप लोगों का अगर ऐसे कोई कस्टमर है तो उनको डायरेक्ट सी बात बता देना कि 9 एक्टिव अगर ऑलरेडी आपके पास सिम कार्ड है तो उसके बाद आप कोई भी और सिम कार्ड नहीं ले पाओगे उस कंपनी का। तो डायरेक्ट सी बात, जो कस्टमर था उन्होंने मेरे को पूछा कि भाई अब हम करें क्या, हमें तो सिम कार्ड जरूरत है, अगर हम किसी टाइम ओरिजिनली जरूरत है हो गया तो हम सिम किस तरह से ले पाएंगे। तो दोस्त एक तरीका है जिसके बाद मतलब मदद से आप सिम ले पाओगे, वो है आपका 9 जो वीआई का सिम कार्ड है या किसी भी ऑपरेटर के जो 9 सिम कार्ड है उसमें से एक सिम कार्ड या 2 सिम कार्ड को किसी आदर्श ऑपरेटर पर पोर्ट करा लो। तो यही एक प्रोसेस रहता है जिसमें आप दोबारा सिम ले पाओगे, इसके अलावा आदर्श कोई भी प्रोसेस नहीं है जिसके मदद से आप सिम ले पाओ। और अगर आपके पास भी ऐसे कस्टमर आते हैं तो उनसे पहले पूछ लेना, जो कस्टमर रेगुलर सिम अगर लेना चाहते तो उनसे पूछ, हम 9 से ज़्यादा सिम कार्ड नहीं ले पाओगे, तो आपका जब ज़रूरत हो तभी आपको सिम लेना चाहिए, वरना बेकार में आप लोगों को ऑफर के चक्कर में ज़्यादा सिम नहीं लेना चाहिए। बट देखो ऐसे कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है, बट किसी टाइम कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगा, बाकी इसमें रिटेलर को किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि जो भी प्रोसीजर है सब कुछ कंपनी वेरीफाई करते, सब कुछ कंपनी करते, तो रिटेलर को ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट आप लोग एक बंदे अगर ज़्यादा सिम ले तो उसे नॉर्मली इस इन्फॉर्म को जरूर कर देना, वरना आप लोग उन लोगों को वो जो कस्टमर उनको बाद में जाके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो मैंने इस कस्टमर को अच्छे से समझा दिया, पहले उसको किसी ने अच्छे तरीके से नहीं समझा जिसके वजह से उनका ये मिस्टेक हुआ। तो आप भी अपने कस्टमर को जरूर समझा देना, बाकी आप लोग इसको कस्टमर के साथ शेयर भी कर देना। तो आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जन्मदिन मात्रम, थैंक यू, बाय बाय।